नमस्कार, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। आज मैं आपको शंख पुष्पी के ज्योतिषीय एवं तांत्रिक प्रयोग की बात बताने जा रहा हूं, जो आप ध्यान से सुने। शंख पुष्पी लगभग सारे भारतवर्ष में पाई जाती है। आमतौर पर ये दो रंग में होती है, नील पुष्पी और श्वेत पुष्पी। आप इस औषधि को ध्यान से देख लीजिए, ये शंख पुष्पी है। कई लोग अपने वीडियो में अपराजिता को शंख पुष्पी बता रहे हैं, ये गलत है। तो शंख पुष्पी की आप सही पहचान कर लीजिए। ज्योतिष की बात हम करें तो चंद्रमा का सीधा प्रभाव शंख पुष्पी पर पड़ता है। चंद्रमा जल का कारक होने से पूर्णिमा के चंद्र के प्रभाव से समंदर की लहरें ऊंची ऊंची उठती है। उन्माद रोग में भी चंद्र का ही प्रभाव होता है। रक्त विकार में भी चंद्र का ही असर दिखता है। जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो, निच राशि का हो, पाप ग्रह के साथ हो या शत्रु भाव में हो, तो उसको इसका उपाय जरूर करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, ये भी चंद्रमा से ही रिलेटिव है। शंख पुष्पी से चंद्रमा की नेगेटिव ऊर्जा को हम पॉजिटिव ऊर्जा में बदल सकते हैं। उच्च रक्तचाप में शंख पुष्पी का 10 से 20 मिलीग्राम सोरस निकालकर सुबह शाम दोपहर नित्य कुछ दिन लगातार इसका सेवन करने से उच्च रक्तचाप हमेशा के लिए मिट जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए जिन लोगों को भूलने की आदत होती हो, बार बार कुछ याद नहीं रहता हो, तो इसको शंख पुष्पी के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करना चाहिए, तो इससे याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। इसके सेवन से दिमाग बहुत तेज हो जाता है। जब कुंडली में धन स्थान में या भाग्य स्थान में चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हो तो लक्ष्मी योग बनता है। पुष्य नक्षत्र में और शुक्ल पक्ष में निमंत्रण देकर शंख पुष्पी की जड़ को उखाड़ ले, और उखाड़ने से पहले आपको प्रार्थना करनी होगी कि हे देवी, मेरा कल्याण करे, मेरे साथ चलिए। अब इस जड़ का आपको गाय के दूध से अभिषेक करना होगा और 108 बार ओम सोमाय नमः मंत्र का जप करना होगा, और उसके बाद चांदी का ताबीज लेकर उसमें इस जड़ को रख दे और अपने गले में इसे धारण कर ले। इससे कई परेशानियां दूर होगी, मन शांत रहता है और कई मुश्किलों का हल जल्दी ही होने लगता है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, कोई मार्ग न सूझ रहा हो, धन की कमी बढ़ती जा रही हो, तो ऐसे में आपको शंख पुष्पी की जड़ को बताई गई विधि से पूजा करके अभिमंत्रित करें और चांदी की डिब्बी में उसे भर ले और घर की तिजोरी में उसे रख ले। इस प्रयोग से धन की कमी महसूस नहीं होगी और लगातार धन की बढ़ोतरी होती रहेगी और नए नए रास्ते धन के आगमन के खुलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये प्रयोग बहुत ही सरल है, इसे जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, कोई लॉटरी लग जाएंगी या गढ़ा हुआ धन आपको मिल जाएगा। इस उपाय से निश्चय ही धन के रास्ते खुलने लगेंगे और हर समस्या का समाधान आपको मिलने लगता है। तो ये जानकारी अपने दोस्तों, मित्रों और स्नेही जनों में शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।